वेलकम टू ट्रेड विथ प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। ये लेवल ऐसे हैं जो कि चाहे आप ट्रेड करना चाहे इस स्टॉक में या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, चाहे आपकी पोजीशन पहले से है या बनाने की सोच रहे हैं, सभी तरह के लोगों के लिए ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसीलिए लेवल को बहुत ही ध्यान से सुने और देखें। तो सीधे चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट में। यहाँ पर ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो इसी टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट हो रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो कोटक महिंद्रा बैंक में जो लेवल्स है वो आप ज़रूर नोट करके रखें। और ये लेवल ऐसे है जो कि इससे पहले भी हमने कोटक महिंद्रा बैंक में कई बार वीडियोस आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। आप यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक टाइप करें, ये कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जितनी बार भी हमने वीडियो बनाई है आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में जब जब ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन ये वाली जो देख रहे हैं, अभी भी करंट जो प्राइस है वो इसी ट्रेंड लाइन को ही रीच कर रहा है। तो चाहे अगर हम बात करें इस वाली जो गिरावट है, यहाँ पर भी हमने कोटक महिंद्रा बैंक में आपको ये इस लेवल से अवेयर कराया था और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी रैली हुई। और अगेन जो उस रैली के बाद फिर से ये स्टॉक 2-3-4 बार यहाँ पर टेस्ट किया था इसी लेवल को, यहाँ पर भी आपको अवेयर कराया था। और अभी रिसेंटली फिर से कोटक महिंद्रा बैंक में बड़े दिनों बाद डाउनसाइड की मूवमेंट तो है ही, बट इस मूवमेंट में जो लेवल है अभी कुछ दिनों पहले भी ये वाली आप यहाँ पर लो आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और यहाँ से एक तेज़ी दिखी, बट फिर से इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसकी जो वैल्यू है वो आप ज़रूर नोट करके रखें, जो कि है 1785.6। तो 1701 से लेकर 1685.6, ये जो 14-15 रुपए का प्राइस एरिया है ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल किस लिए है वो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट लेवल किस लिए है, इसके नीचे में बहुत दूर तक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 1400-1450 के लेवल तक कोई भी नियर बाय में सपोर्ट है ही नहीं। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक 1685.6 का लेवल ब्रेक करता है तो आप इसमें बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करें, बट अभी जो बाइंग करके रखे हैं या फिर बाइंग करने की सोच रहे हैं, जब तक 1685.6 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, क्लोजिंग नहीं होता है इसके नीचे में, तब तक अगर आप बाइंग में हैं तो आप बने रहें। या फिर न्यू फ्रेश बायर्स के लिए भी ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल डिस्कस हमने जो अभी बताया आपको, ये बहुत ही अच्छे लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितने टाइम इस लेवल को टेस्ट हुआ और यहीं से रैली हो रही है बार बार। और इस लेवल को ज़रूर ध्यान में रखें, नोट करके रखें, जब 1685.6 का लेवल क्लोज करे डाउन साइड में और ब्रेक करके क्लोज करे, तभी आप इसमें बाइंग को अवॉइड करें। जो आपकी बाई पोजिशन है उसे भी आपको हो सके तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे में अगर आएगा कोटक महिंद्रा बैंक तो बहुत ही बड़ी गिरावट की पूरी पॉसिबिलिटी है। और वो गिरावट 1-2 दिन में नहीं होगी, वो थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो आई होप आप लेवल्स को नोट करके रख लिए होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेवल को ज़रूर ध्यान में रखें, नोट करके रखें, तभी आपके ध्यान में रहेगा। और जिनकी भी पोजीशन है वो ज़रूर इस सपोर्ट के अकॉर्डिंगली एक्ट करें, अगर ब्रेक करेगा तो एग्जिट करें, अगर नहीं करेगा तो बाइंग में बने रहें। इसके ऊपर में ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इससे पहले भी सेम चीज़ हो चुकी है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। 1790 का लेवल टेस्ट किया था और 1821 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिले थे, तो वो पॉसिबिलिटी अभी भी इसमें बनी हुई है, क्योंकि अभी भी प्राइस ब्रेक नहीं हुआ है, जस्ट रीच करता है, थोड़ा सा रैली करता है, फिर से उसी प्राइस में आके क्लोजिंग दे देता है। तो इसीलिए जब तक नीचे में क्लोजिंग नहीं दे दे 1685 के नीचे में, तब तक आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें इसमें। बिल्कुल जब तक 1701 के ऊपर है ये कोटक महिंद्रा बैंक, इसके ऊपर में अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ रैली करने की पूरी पोटेंशियल है। जिस दिन ब्रेक करेगा तभी वो पोटेंशियल ख़त्म होगी। तो आई होप आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होंगी और लेवल को ज़रूर नोट करके रखें, तभी आपको ध्यान में रहेगा और पोजिशन को उसके हिसाब से आप ट्रेल कर पाएंगे। तो इस तरह का जो एडवांस में लेवल है वो हम और भी अलग अलग स्टॉक में यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, जिसका आप टाइमली बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अभी कुछ दिनों पहले हमने ट्रेंड, ITC और गोदरेज कंज्यूमर का इस वीडियो में आपके साथ लेवल डिस्कस किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड में किस तरह से, ITC में भी जो हमने लेवल डिस्कस किया था वो भी
पूरी तरह से पॉजिटिव वे पे ही वर्क किया और यहाँ पर ट्रेंड में आप देख सकते हैं, ये ऊपर के लेवल हमने डिस्कस किए थे, इस वीडियो में जाके आप ज़रूर चेक करें प्रूफ के लिए। और इस ट्रेंड लाइन को जस्ट टेस्ट किया ट्रेंड, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी गिरावट हुई। 927 935 का लेवल हमने आपको एडवांस में दिया था और वहां से 840 तक इसमें डाउनफॉल हुई। तो इस तरह का एडवांस में लेवल हम अलग अलग स्टॉक में जब भी वो टेस्ट होने वाले रहते हैं पहले से आपको अवेयर करा देते हैं ताकि वो चीज़ें आपसे कभी मिस ना हो, और उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तभी आपको उसका टाइमली आप तक वो चीज़ें पहुँच पाएंगी।